हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी के पद्यांश की क्लास आपके लिए पर डे चलाई जा रही है, और जिसकी जिसका एक ही कारण है कि आपका जो सीटेट का एग्जामिनेशन होता है वहां पर कुल मिलाकर 30 नंबर की हिंदी आती है 150 में से, जिसमें से 5 नंबर का हिंदी का पद्यांश आता है जो कि कविता ये, और 10 नंबर का गद्यांश आता है, 10 नंबर की पैडागोगी जो कि हिंदी से रिलेटेड होती है। तो हिंदी के पद्यांश को कैसा प्रश्न पेपर, जो पेपर में हिंदी का पद्यांश आता है वो कैसा आता है, और ये वाला जो पद्यांश है ये पेपर का पूछा है जनवरी 2023 में, जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था, और ये मैंने पेपर ही उठा लिया है, वहीं से डायरेक्टली मैं आपको करा रहा हूँ। अगर यदि आप ऐसा करते हैं कि इनको प्रैक्टिस करके जाते हैं, पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनको 3-4 मिनट में आप टैकल कर जाओगे। 5 मिनट भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि हिंदी के पद्यांश के जो प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा घुमा के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर, जबकि गद्यांश के तो आसान प्रश्न ही बनते हैं। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अब जुड़ जाइएगा, और फिर भी नहीं जुड़ना चाहते तो आप लोग क्लासेस लेते रहिएगा। सबसे बड़ी बात वही है, आपका एग्जामिनेशन फतेह हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। तो चलिए, समय ना गवाते हुए कैसा पद्यांश आता है और इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पद्यांश है, निर्देश निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर है, इतना डर है बिखरा हुआ के मन में आता है तुम्हें बीज के अंतर्मन। ये जो वर्ड है ना अंतर्मन, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और ये जो वर्ड है बीज, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, इनको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। आप भी जब पेपर में देखें ना, तो कुछ वर्ड जो आपको अटपटे लगे तो उनको आप हाईलाइट करते जाइएगा, कॉपी पर नोट करते जाइएगा, और वहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है। चाहे तो पर्यायवाची पूछेगा या विलोम शब्द पूछेगा, तत्सम तद्भव पूछेगा, मतलब व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ सकता है, समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, संधि विच्छेद करवा सकता है ऐसे वर्णों की, तो वहां पर प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। तुम्हें बीज के अंतर्मन में छिपे अंकुर सा, अंकुर का मतलब होता है उत्पन्न होना, अंकुर सा अपने भीतर पालो तब तक, जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ। पर फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के थपेड़े। धूप के ताए का मतलब जो लौ होती है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, तो धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन। ये जो वर्ड है ना गर्जन तर्जन, बहुत अच्छा वर्ड है, गर्जन तर्जन को क्या जमा सकोगे अपने पांव पृथ्वी पर, मजबूती से डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूं अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा अपने बूते ही अपने हिस्से की, धूप हवा नमी, धूप हवा नमी पर हक जमाते। ये वाला आपका पद्यांश है। अगर यहां पर देखें तो ये क्या है, लड़कियों के लिए बोला है ये पद्यांश, और जो बिटिया रानी है उसके लिए बोला है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको कोई भी कार्य करना है समाज के। यहाँ पर ना बिजली के गर्जन तर्जन, हवा के थपेड़े, धूप के ताए, समाज के, ये समाज के ताए, समाज के थपेड़े, समाज की गर्जन तर्जन आपको झेलनी पड़ेगी अगर आपको क्या है सफल होना है, ऐसा कुछ बोला गया है इसमें। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अब उनको देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए मेरे भाई क्या होगा। प्रश्न है, अंतर मन में कौन सी संधि है, लगाइए क्या होगा सही जवाब। अंतर मन में कौन सी संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, कौन सी संधि होगी अंतर मन में। बताइए भाई कौन सी संधि होगी। अगर हम यहां पर बात करते हैं संधि की, यदि हम यहां पर बात करते हैं किसकी, संधि की, तो संधि क्या होती है, संधि होती है दो वर्णों के, दो शब्दों का जोड़ होती है, क्या होती है, दो शब्दों का जोड़ क्या होती है, यहां पर संधि देखने को आपको मिलती है। बात करें अंतर मन की संधि क्या होगी, तो अंतर मन, यही तो शब्द है, और इस शब्द को देखते हैं तो यह बनेगा आपका अंतः प्लस मन, क्या बनेगा मेरे भाई, अंतः, सॉरी, अंतः
प्लस मन बनेगा। और यहां पर आपने देख लिया विसर्ग, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, विसर्ग संधि बन जाएगी, विसर्ग संधि। तो अंतर मन में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। स्वर संधि की बात करें यहां नहीं होगी, व्यंजन संधि नहीं होगी, यण संधि नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। कौन सी संधि देखने को मिलेगी मेरे भाई, विसर्ग संधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर यहां पर हम बात करें, चलिए यहां पर एक वर्ड दे दें अत्यधिक, तो यहां पर आपको यण संधि देखने को मिल सकती है, अति प्लस अधिक कुछ इस तरीके से, क्लियर है। उसको छोड़िए, आप अपने प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। एडिटर साहब आज फिर चाय ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, देखिए इसको पहचानने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है, आप यहां पर देखेंगे जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, दिन रात, क्या लिखा, दिन रात लिखा मैंने, और मैंने एक वर्ड लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया दिन रात। दूसरा वर्ड अगर हम चाहें तो ब्लूम शब्द में लिख सकते हैं, अमीर गरीब लिख सकते हैं, अमीर और गरीब, एक वर्ड लिख सकते हैं छोटा बड़ा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए सबसे आसान तरीका है जो आपको यहां दिख रहा है, ये बीच में योजक चिन्ह जो दिख रहा है, योजक चिन्ह दो दिख रहा है, योजक चिन्ह दो दिख रहा है, अगर बीच में ये वाला योजक चिन्ह आपको कभी भी दिख जाए 99.99% आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा मेरे भाई, द्वंद्व समास होगा अगर इन वर्ड में से आपको कोई सा भी दिख जाए, क्लियर है। और दूसरा तरीका क्या है, ये इसका विलोम शब्द होता है, ये इसका विलोम शब्द होगा और ये इसका विलोम शब्द होगा, तो एक दूसरे के आपस में विलोम शब्द होंगे, आपको दिख जाए द्वंद्व समास। दो ट्रिक हो गई, योजक चिन्ह दिख जाए द्वंद्व समास, योजक चिन्ह ना दिखे तो विलोम शब्द दिख जाए एक दूसरे का, आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे अगर मैं यहां एक वर्ड लिख दूं धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, चाहे मैं द्वंद्व समास लगाऊं चाहे ना लगाऊं, फिर भी क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास यहां देखने को मिलेगा। दूसरा एक वर्ड है यहां पर तत्पुरुष, तत्पुरुष समास किसमें होगा, तो अगर हम तत्पुरुष समास के लिए बात करें तो एक वर्ड लिख सकता हूं मैं यहां पर सत्याग्रह, तो ये होगा सत्य के लिए आग्रह, तो सत्याग्रह में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्लियर है, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा सत्याग्रह में। अगर हम यहां पर मेरे भाई बात करते हैं बहुव्रीहि समास की, किसकी बात करते हैं, बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दशानन, दशानन, या फिर एक वर्ड लिख सकते हैं चक्रपाणि, चक्र को है धारण किया जिसने, भगवान विष्णु, दशानन दस है जिसके आनंद रावण, तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई तीसरा शब्द ही आपका उत्तर हो, जैसे दशानन दस है जिसके आनंद, कौन होगा, रावण, तो अलग ही है, चक्रपाणि चक्र को किया है जिसने धारण, तो कोई आंसर क्या होगा, भगवान विष्णु, तो ये आपका उत्तर कोई अलग ही आएगा, तो आपको कौन सा समास देखने को मिलेगा यहां पर, ऐसे शब्दों में आपको समास जो देखने को मिलेगा वो आपको समास देखने को मिलेगा कौन सा, बहुव्रीहि समास आपको मेरे भाई देखने को मिलेगा, क्लियर है। अगर हम यहां पर बात करें कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास की, तो एक वर्ड है अंधकूप, अंधकूप, तो आप लिख सकते हो कूप का मतलब क्या होता है, कुआ, ठीक, अंधा है जो कुआ, मतलब अंधेरे से भरा हुआ कुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्लियर है मेरे भाई। अब यहां पर बात करें मुखचंद्र, मुखचंद्र, मुख में धारण किए हैं जो चंद्र, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा जिसकी यहां पर बात की गई है, क्लियर है मेरे भाई। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इस वजह से दिया है ताकि आप लोग इसको कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप हवा नमी प्रतीक हैं, धूप हवा नमी प्रतीक हैं, ये किसके प्रतीक हैं भाई, आंधी तूफान की,
जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की, प्राकृतिक आपदाओं की। तो यहाँ पर देखिए, धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली की गर्जन तर्जन, क्या जमा सकोगी अपने प्राणों पृथ्वी पर मजबूती से, डर डर के भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर के तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा, अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते। यानी कि क्या है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की बात की गई है। आंधी तूफान का कोई मतलब नहीं, वर्षा बाढ़ का कोई मतलब नहीं, प्राकृतिक आपदाओं की यहाँ पर पद्यांश के अंदर कोई बात ही नहीं की गई है। बात की गई है कि जो बिटिया रानी है उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी कमी, और उससे उसको संघर्षरत लड़ना पड़ेगा तभी वो सफलता को प्राप्त कर सकेगी। कुछ इस तरीके से बात कही गई है, क्लियर है? तो बहुत आसान है मेरे भाई, पद्यांश से बहुत कम लोग ही है जो इसको पढ़ के इसका उत्तर लगाते हैं। बाकी सभी लोगों को लगता है कि इसके सवाल तो बहुत टफ आते हैं, लेकिन पेपर में तो पेपर सेटर बहुत आसान सवाल देता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, कविता में बीज का प्रतीक क्या है? मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था, एक वर्ड यहाँ पर हाईलाइट किया था, बीज, क्लियर है? तो ये मैंने पहले हाईलाइट कर दिया था, यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। बीज का मतलब संघर्ष से नहीं है, साहस से नहीं है, डर से नहीं है, स्त्री की अदम्य जिज्ञासा और उत्पादकता से है, उसके अदम्य साहस से है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा इसका मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा, क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा स्त्री के अदम्य जिज्ञासा और उत्पादकता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट प्रश्न होगा इसका, नहीं अभी तो सेकंड लास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। अब किसका सूचक है? माँ का बेटी के प्रति आश्वस्ति का, माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, माँ का बेटी के प्रति करुणा का, या प्रति अधिकार का? अधिकार की बात नहीं है, करुणा की बात नहीं है, उपेक्षा की बात नहीं है, आश्वस्त की बात यहाँ पर जरूर की गई थी, क्लियर है? माँ का बेटी के प्रति आश्वस्त का, क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपने कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। जब तक आप पद्यांश सॉल्व नहीं करके जाएंगे, पांच में से एक नंबर पाएंगे, और सॉल्व करके दीक्षित सर की क्लास लेके जाएंगे, पांच से पांच पाएंगे, बहुत कम समय में अच्छा स्कोर, बेहतर स्कोर करना है तो यहाँ पर आपको जुड़ना पड़ेगा। बाकी आप कोर्स खरीदते रहिए, 1900 का, 2500 का, 5000 का, 1 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई। जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में, उस दिन जिस दिन आप लोग अपने पेपर को दे होंगे, कर्म हारे, टच स्क्रीन होगी, स्क्रीन होगी, और आप लोग वहां देख रहे होंगे कि सर की अगर क्लास 4-5 क्लास भी ले ली होती तो शायद आज हम इन प्रश्नों को टैकल कर रहे होते और कुछ ना कुछ हल करने की ट्रिक जो सर सिखाते हैं उनसे सीख लेते। बाकी आप लोग प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे, क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करें, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट वन लाइक अ सन, आपको सबसे पहले सूर्य की तरह झलना पड़ेगा। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि अगर आपको सबसे पहले चमकना है, जैसा चमकना चाहते हो, जैसे आपने सपने देखे हैं, पहले आपको झलना पड़ेगा। आपने घी को देखा है कैसे बनता है? सबसे पहले क्या है? दूध आता है, क्लियर है? दूध आएगा, उसको हम सबसे पहले जमाएंगे, दही बनता है, दही बनेगा, दही को फिर चलाएंगे गोल गोल घुमा के, दही से क्या बनेगा आपका, वहां से लोनी बनती है जैसे हम माखन कहते हैं, माखन को फिर तवाएंगे यानी कि जलाएंगे, फिर वहां से आपका घी बनता है। यानी कि जब तक तबोगे नहीं, जब तक तप नहीं करोगे, तब तक कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तो तप आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन तप तो करना पड़ेगा, एकाग्र होकर करना पड़ेगा, क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता समाज के बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है। समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, स्नेह की बात ही नहीं है, वहां संघर्ष की बात चल रही है। समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, बात तो तिरस्कार की नहीं कर रही है। समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है, जी हाँ,
फर्स्ट वाला भी गलत है। समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है, ये वाला जो वर्ड है ना उपजी है, यही आपके आंसर को डिफाइन कर रहा है। बोलो कैसे, बात तो ऊपर भी लिखी हुई थी। समाज के अंदर जो बेटियों का शोषण देखने को मिलता है, जो बेटियों की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा का मतलब समझ रहे हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तुम इंजीनियर नहीं बन सकती, तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर नहीं जा सकती, क्रिकेट नहीं खेल सकती, फुटबॉल नहीं खेल सकती, जो भेदभाव देखने को आपको मिलता है वही उपेक्षा है, तिरस्कार देखने को मिलता है वही उपेक्षा है। इसकी जो ये सारी उपज ही है, ये क्या है, उपज है, तभी तो राइटर ने क्या है, कवि ने इसको लिखा है। अगर ऐसा होता ही नहीं तो कवि क्यों लिखता है इसको, कवि ने क्यों लिखा, ये सारी भावनाएं आज हमारे समाज के बीच में उपजी हुई है। क्लियर है? तो ये था आज का अपना टॉपिक पद्यांश का। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि इससे हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी आप लोग क्लास ले रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर हाँ क्लास को लेते रहिएगा। अपना फायदा सोचना है तो एक थंब तो जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप थंब नहीं लगाएंगे तब तक दूसरों को कुछ देने की भावना तब तक आपके अंदर नहीं होगी, तब तक कुछ पाने की भावना आपके अंतर्गत कैसे आ सकती है, ये बात समझिए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।